नमस्ते क्लास, क्लास 11th, नया चैप्टर। ऑलरेडी 3 चैप्टर कंप्लीट किया चुके हैं। लास्ट चैप्टर प्लांट किंगडम में जबरदस्त परफॉर्मेंस, जिन बच्चों ने भी एग्ज़ाम दिया 50 क्वेश्चन में 45 तक कौन बनाता है जी, वो भी प्लांट किंगडम का क्वेश्चंस पूछिएगा बच्चों से, बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है। ठीक, कोई बात नहीं, बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, साथ में पढ़ना है, हम लोग साथ में हैं पढ़ाने के लिए, राइट। बालू जी है, इस बात का ख्याल करना है, बहुत सिंपल है। 2-3 साल जब तैयारी कर लोगे, गलत तैयारी अगर तुम्हारा नहीं निकलता है तो कुछ गलत स्ट्रैटेजी तुमने अपनाया हुआ था। हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि तुम गलत पढ़ाई कर रहे थे, जो भी तुम्हें पढ़ाएगा वो तुम्हें अच्छा ही पढ़ाएगा। तुम्हारा स्ट्रैटेजी ख़राब था, शायद तुमको किसी ने बताया नहीं। आफ्टर 3-4 ईयर्स ऑफ प्रिपरेशंस यू कम टू नो दैट कि बहुत आसान है किताब जी, पढ़ना बहुत आसान है, बहुत हल्का हल्का चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। फर्स्ट ईयर में तुम थोड़ा रियलाइज़ नहीं कर पाते हो, वही बेचैनियाँ क्लास 9th और 10th की कि सामने वाला टीचर कितनों कह रहा है कि इतने पढ़ना है, और तुम हो कि मानते रहे, नहीं दिल है कि मानता नहीं, ऐसा कुछ। चलो तो मनाएंगे, बड़े हो रहे हैं, थोड़े समझदार हो रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा मनाएंगे अपने आप को। और मनाकर जितना बायोलॉजी में कहा जा रहा है, कितना एनसीईआरटी है, लाइन बाय लाइन कंटेंट वाइज सारे सवालों को याद कर जाइए, सारे इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करके रखिए। ज़्यादा क्यों करके क्वेश्चन आता नहीं है, इसीलिए तो बायोलॉजी पढ़ाते हैं, ये ज़्यादा कुछ समझाना है ये नहीं है। बस ये है कि बड़ा सा चैप्टर है, उसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाकर छोटा करके देना होता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाकर। बच्चे नहीं हो कि पूरा कहानी बनाया सुनाया जाएगा, तुम्हें भी लगना चाहिए कि भाई पढ़ाई की बात हो रही है, खिलवाड़ नहीं है, मेडिकल वेडिकल निकल जाएगा, बिना पढ़े लिखे मेडिकल निकाल लिए भाई, हुक एंड क्रुक कैसे हूँ करके निकल गया, तो उधर कैसे पढ़ोगे, 5 साल में बउआ जाओगे। चलो तो आइए, एम शुड बी हाई, राइट, कि वट एवर वी आर गोइंग टू रीड इज फॉर योर मेडिकल प्रिपरेशन, राइट। हो सकता है सर हमको बस प्लस टू पढ़ना है, कोई बात नहीं भाई मेरे, हम हैं ना सबके लिए, हम हैं, पढ़ा रहे हैं हम आपको, ठीक है। चलो आइए फोकस करते हैं, नया चैप्टर है एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम तो हो गया, एज सच कुछ कॉम्प्लिकेशन तो ना मिला होगा, मेरे हिसाब से एज सच कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं मिला होगा, ठीक, वेरी गुड। एनिमल में भी नहीं मिलना चाहिए अगर आप हमारे साथ चलते हैं तो, ठीक। हाँ, अगर झूठ मुठ का बउआ हो गए तो गड़बड़ हो सकता है। तो एनिमल किंगडम के बारे में अगर हम बेसिक बातें क्या करते चले आ रहे हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने ये जान के बैठा है कि एनिमल किंगडम में वो लाइफ आता है जो यूकैरियोटिक हो, देख रहे हो, यूकैरियोटिक में भी डिस्टर्बेंस चल रहा है, यूकैरियोटिक हो, मल्टी सेलुलर हो, प्लांट में तो कई सारे प्लांट आपको मिल गए जो यूनिसेलुलर भी है, तो यहाँ यूनिसेलुलर लाइफ का कोई कंसेप्ट नहीं है, सब मिलके मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सभी मिलकर एक लाइफ लाइफ ही है। आगे बढ़ते हैं तो हेटरोट्रॉप है, हेटरोट्रॉप्स, इसमें हम लोग होलोजोइक पे विशेष ख्याल करेंगे, होलोजोइक हम लोग इसे खाना पीना काट के मुंह में डालेंगे, चबाएंगे, पचाएंगे, फिर अब्सॉर्ब करेंगे, ऐसा ही मैक्स मेजोरिटी में लाइफ एनिमल वाले लाइफ अपना फूड ग्रहण करते हैं, ठीक है। और सेल वॉल जो कि नहीं होता है, सेल वॉल एब्सेंट, ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। हम अभी आपको ये बात करेंगे कि क्लास 9th से, अरे 9th में भी तुम पढ़ाई किया है, तुम्हारा प्रिपरेशन तो 9th से स्टार्ट हो चुका है। अब ये पॉइंट वाली बात है कि तुमको अच्छे मास्टर से भेंट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ होगा, अच्छे मास्टरों से भेंट हुआ होगा, आगे भी होता जाएगा, अभी तो हो ही रहा होगा शायद, ठीक है। तो 9th की हम बहुत सी बेसिक बातों को इस चैप्टर से जोड़ेंगे, ठीक। हमें नहीं लगता है क्लास 9th का तुमको अगर कन्फर्मेशन हैं पूरे चैप्टर का, हर छोटे छोटे पॉइंट तुम्हारे दिमाग में क्लियर हैं, तो नहीं प्रॉब्लम होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया। अब हमें इस पूरे चैप्टर में, इस चैप्टर में जैसे ही आप बुक खोलोगे तो वहाँ दो हिस्सों करके दिया हुआ है, एक तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एनिमल क्लासिफिकेशन। तो एक हमें ये पढ़ लेना है कि व्हाट आर द बेसिस, क्योंकि प्लांट में काफ़ी सिंपल था, सीधे ये कह देना कि बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड, रूट शूट लीफ एंड वास्कुलर बंडल कुड बी प्रेजेंट और एब्सेंट,
सीड इज प्रेजेंट और एब्सेंट, सीड कोट इट, वेरी सिंपल बेसिस था, तो उसमें हमें बेसिस पे मेहनत नहीं करना पड़ा था। यहाँ पर बेसिस कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा नहीं है कि हाथ पैर है तो वो एनिमल है, हाथ पैर ना है तो एनिमल नहीं है, ऐसा बात नहीं है। दीज आर सम फीचर्स, अगर है तो वो एनिमल है, नहीं है तो नहीं है, वेरी सिंपल। इन्हीं चारों में से कोई पॉइंट उसे मोनरा से अलग कर देता है, उसे किसे, एनिमल को मोनरा से अलग कर देता है, प्रोटिस्टा से अलग कर देता है, फंगस और प्लांटिया से अलग कर देता है। ठीक, तो हम लोगों को दो चीज़ पढ़ना है, एक तो पढ़ना है बेसिस और एक पढ़ना है हम लोगों को क्लासिफिकेशंस, नाम पढ़ा जाएगा। ठीक है, हम उसके पहले एक हल्का सा समझ देने का ट्राई करते हैं। समझ क्या है कि जैसे प्लांट में पढ़ा गया कि प्लांट में आपका क्या कहते हैं प्लांट में आपका थैलोफाइटा, मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट, तो इधर भी मिलेगा मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल, जिसमें बनावटें शुरू होंगी और स्लोली स्लोली वो एडवांस हो जाएगा, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, हेट्रोस्पोरस, सीड हैबिट, देख रहे थे कुछ ऐसा, कुछ ऐसा यहाँ कुछ देखने का ट्राई किया जाएगा। ठीक, एनिमल में ह्यूमन वगैरह को तो खूब कस के पढ़ना है, तो ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हमें ये पढ़ना है पूरे इस चैप्टर में, हमारा ये ख्याल कि हमारा कौन सा एनिमल प्रिमिटिव है और स्लोली स्लोली वो क्या बनने वाला है, एडवांस बनने वाला है। चैप्टर की शुरुआत में ही हमें एक बेसिस लेके चलना होगा कि वॉट आर सम बेसिस, जिसके आधार पर हमारा दिमाग बार बार पढ़ेगा, रीडिंग करेगा तो रन करेगा। हम पहले ही कर रहे हैं, किताब एनसीईआरटी का लाइन एक बार कंटेंट के रूप में दिमाग में फीड कर लेना, फर्स्ट टारगेट कंप्लीट। एनसीईआरटी एज ए चैप्टर बताना क्या चाहता है, क्या थीम है उसका, जो पूरा पढ़ेगा ना तब तुम्हारे मन में कुछ कंसेप्ट डेवलप होगा। कंसेप्ट बायोलॉजी में कंसेप्ट डेवलप कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करना और कंसेप्ट डेवलप करना दोनों में डिफरेंस होता है। स्लोली स्लोली आपको आ जाएगा, तो हमें पूरे चैप्टर में ख्याल करना है। पूरे चैप्टर क्या, शुरुआत के दो दिन, एक ही दिन ट्राई करते हैं कितना दिन कितना देर तक लिख पाते हैं। तो शुरुआत का एक से दो दिन में कंसेप्ट डेवलपमेंट की बात है, उसके बाद तो आपको सिर्फ एक हेडिंग, उसके अंदर चार पांच कैरेक्टरिस्टिक विथ एग्जाम्पल, खत्म। एग्जाम्पल तो हम बोर्ड पर लिखबो नहीं करेंगे, कहाँ लिखे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल, तुम खुद देखो किताब भी में हटिया दिया। थैलोफाइटा का तो लिखा, ब्रायोफाइटा लिखा, टेरिडोफाइटा में तो आया आया कर दिया, जिम्नोस्पर्म में दो तीन गो है, एंजियोस्पर्म का दिया भाग बहुत है। पैटर्न समझिएगा, हम पैटर्न नब्ज पकड़ के चल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। तो प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ जाएंगे हम लोग, इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे हम लोग। और अगर हम क्लास नाइन्थ का नाम हम याद करें, ख्याल करिएगा, हम क्लास नाइन्थ का नाम याद करें तो सबसे पहला नाम आया था पोरीफेरा। व्हाट इज पोरीफेरा? इट इज फर्दर डिवीजन ऑफ एनिमेलिया किंगडम। हर किंगडम का बंटवारा होके फाइलम आएगा, ये सभी फाइलम के नाम हुए, उनका भी बंटवारा होगा। फिलहाल जो हम जान के आए हैं वो जाने, सबसे पहले पोरीफेरा, पुकार का नाम स्पॉन्जी, स्पॉन्ज, रसगुल्ला से शुरुआत। एक ऐसा एनिमल बनेगा जिसका हाथ पैर लीवर किडनी कुछ ना है, फिर भी एनिमल है। क्यों? क्योंकि इनके पास ये चारों पॉइंट कैरी करते हैं, दिख रहा ना, पोरी फेरा लिखे, पोरी पी कट गया, हटा देते हैं, आ जाते हैं सामने, तो थोड़ा ज़्यादा ब्राइटनेस हो गया नहीं। पोरीफेरा से शुरुआत करेंगे। जब हम क्लास नाइन का रिकॉलिंग करते हैं, पोलीफेरा के बाद आपने सिलेंटरेटा पढ़ा था, पहला शिकारी था अपना एनिमल का, हम क्लास नाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अलेवेंथ की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। फिर हम लोग पढ़ाते हैं प्लैटीहेल्मिंथस, देख रहे हो ना, शेर है ना बाघ है ना कॉकरोच है, अजीब अजीब नाम है प्लैटीहेल्मिंथस। इसे फ्लैट वर्म, प्लैट प्लेट आ गया तो फ्लैट है ये, फ्लैट वर्म याद रहता है, याद रखने वाला बात भी है। फ्लैट वर्म, इससे एक कैरेक्टरिस्टिक तो समझ में आ गया कि इसका बॉडी फ्लैट है, डॉर्सी वेंट्रली, आगे पीछे से चपटा, फ्लैट वर्म। अगर लोग शो करते हैं कि बुलेट है उसके पास, उनको क्या पता कि लोग अगल बगल अच्छा ही बात करते होंगे उसके बारे में। हाँ जी, क्लास नाइन्थ में आप पढ़े होंगे, तो क्लास नाइन्थ में जैसे यहाँ पे पहुँचोगे ना, तो तुमको बहुत सारी बातें समझ में आ जाती हैं, याद अगर होगा तो।
नहीं तो कोई बात नहीं, आज चमकाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ तक तो तुमको अच्छा लगने लगेगा कि इसके बाद जो भी आने वाले हैं उसके बारे में तीन चार लाइन तुमको ऑलरेडी पता चल चुका है, ऐसा कुछ बात था। तो यहाँ आपको अच्छा लगेगा, हम लोग या नीमन लगेगा, नीमे टोडा, नीमन नीमन नीमे टोडा, नीमन लगेगा तीन को पढ़ने को। अब तो देखो भाई, इमेजिनेशन तुम्हारा तो है नहीं जहाँ तक हम समझते हैं, ठीक। और मास्टर का इमेजिनेशन के साथ चलो, इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक। किताब की किताब रट्टा मारोगे तो बोर हो जाओगे दो महीने में। तो नीमन नीमन नीमेटोडा, फ्लैट हुआ है तो राउंड होगा, राउंड वर्म वर्क लिख दिए, देख रहे हो कितना काम के प्रति डिवोटेड आदमी यहाँ वर्क लिख रहा है, वर्म लिखना था, वर्म वर्क हो गया काम, ठीक। सैटरडे संडे का आराम था, उसके बाद पहुँचे हैं तो गबड़ा गया है। राउंड वर्म, ऐसे भी अपना स्पेलिंग के साथ तो 36 का आंकड़ा चलता है, नीमेटोडा, ठीक। आपके बुक में इस बार इसमें एस हेलमिंथस लिख दिया है, और नाइन्थ क्लास में भी था, एग्जाम्पल में कुछ घुस गया आँख में, नीमेटोडा नहीं। अच्छा दो एक सेकंड, नीमेटोडा प्लैटी हेलमिंथस, नीमेटोडा और एनेलिडा, राइट, एनेलिडा, वो रिंग वॉर्म, फिर वर्क लिख रहे हैं भाग, रिंग वॉर्म बना के लिख रहे हैं, अपने में लिखा जा रहा है, ठीक है। रिंग वॉर, एनेलिडा, प्लैटी हेलमिंथस, नीमेटोडा, एनेलिडा, एनेलिडा के बाद से मोल अर्थोपोडा, 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 मोलस्का, इक्नोडर्माटा, भाई ये तो हमें सबसे पहले याद हुआ था, इक्नोडर्माटा, उसके बाद नहीं है आता इसके बाद नहीं है आता, आपको भी समझ में आ जाएगा। कोडाटा, कोडाटा, तुम जो डाटा पढ़ लो, कोडाटा पढ़ लो, जो पढ़ लो, मतलब क्लास नाइन्थ में इसके बाद कन्फ्यूज़न है, वो आपको छोटा लेवल था तो जितना बात नहीं किया था, हम लोग यहाँ पूरा बात करेंगे। हमारा कन्स, हम इतना लिखने के पीछे क्या कहना चाहते हैं ना, तुमको ये सिर्फ पैटर्न याद रहेगा ना। हालांकि बुक ने इसमें एक और एंट्री करा दिया है, सिटनोफोरा करके एंट्री करा दिया है, कोई बात नहीं, हम लोग भी ऐड कर लेंगे, 11th क्लास का नई बात है, सिटनोफोरा, कुछ फोर फर के लगा दिया है सब। तो दिस वन इज द प्रीमिटिव एंड स्लोली स्लोली इट विल बिकम्स एडवांस। ये तुम्हें बताने के पीछे हम कहना क्या चाहते हैं कि अननेसेसरी हम इस चैप्टर को हुआ नहीं बनाएंगे, इस चैप्टर को लेकर पूरा यूनिट का नाम नहीं खराब करेंगे। बाप रे, यूनिट वन महा बेकार यूनिट, याद नहीं हो, कहाँ याद करना था, कहीं याद नहीं करना था, ठीक है। तो हम लोग पैटर्न रखेंगे, क्लास नाइन से जो भी बातें जानते चले आ रहे हैं बस उसे सजा सजा के देना है। एनसीईआरटी के एक लाइन से भी एक्स्ट्रा बाहर नहीं निकला जाएगा, एनसीईआरटी में 10 लाइन लिखा है तो 3 लाइन जाकर के बात खत्म। अगर हम अभी शुरुआत में ही जब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और हमें ऑलरेडी तीन दो दो लाइन तीन तीन लाइन हर एक के बारे में नाइन्थ क्लासेस से जो भी एक लाइन या दो लाइन भी कैरेक्टरिस्टिक याद करके आए हैं, थोड़ी बदल जाएगा 11th में आकर, जान के आए हैं, समझ लेके चलना है। डे फर्स्ट इंट्रोडक्शन ईजी फील कर लेना है कि चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी इजी, सर के साथ चलते हैं, बड़े आराम से हो जाएगा। और रोज़ हम लाइव क्लासेस में तो मिल भी करते हैं, ऑन टीचमेंट हम लोग बात कर लेंगे, जो कुछ दिक्कतें होंगी दूर करने का संपूर्ण प्रयास किया जाएगा, नो प्रॉब्लम। इतना हो गया, तो ये आपका इंट्रोडक्शन हुआ, हम ये रखते हैं और ये रखते हुए आँख में कुछ चला गया है, बहुत धूप है जी, गजब गर्मी चल रहा है, ऊपर वाले ने सुन लिया है, ठीक है। 2 साल से पहले से हम बोल रहे थे कि ऐसा होता है गर्मी में हमको पढ़ा नहीं पड़ता, कंप्लीट लॉकडाउन। चलो आज कुछ शायद नीतीश कुमार कुछ भेजने वाले हैं, नहीं का होगा, कब खुलेगा हम लोग का, कब खुलेगा हम लोग का, खुलेगा तभी मज़ा आएगा। नहीं वैसे हमसे पूछो तो मज़ा तो आ ही रहा है, हमको तो बहुत मज़ा आ रहा है। चलो आगे बढ़ते, ये अपने पास रखते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा पहला एस्पेक्ट है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन करना है हमें, ये पढ़ना है कि ऑन व्हाट बेसिस वी क्लासिफाइड दैट एनिमल किंगडम इनटू दीज फाइलम। सबसे आसान किताब की तरह साथ चलते हैं, सबसे पहला पॉइंट आया गया है लेबल
ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है संस्था. संस्था का लेवल, छोटा संस्था है, बड़ा संस्था है, पूरा खाली रोड है, तब वो हॉर्न मारते जा रहा है. बुद्धि विवेक से पैदल लोग हैं, उन्हीं के बीच में हम लोग को रहना है, थोड़ा बचा कर रहना है. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं. कोई भी संस्था है, दीज आर संस्था, ये सभी संस्था के नाम हो गए. और इस संस्था में पाए जाने वाले जितने भी लाइफ हैं उनका स्तर कैसा है? कोई छोटा स्तर का है, कोई बड़ा स्तर का है, किसी का एक झोंपड़ी उपड़ी है, छोटा सा रूम है, उसी में काम चला रहा है. धीरे धीरे वो बड़ा रूम बना रहा है, 5-6 का रूम रख लिया, बड़ा सा बिल्डिंग बना लिया, 50-60 को ब्रांच हो गया. देख रहा हम अपना कोचिंग का भविष्य देख रहे हैं कैसे बढ़ रहा है. अंत में जाते जाते आकाश इंस्टीट्यूट बन गया, बाप रे. ठीक, ऐसे ही हुआ होगा तो कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते जाएंगे. ठीक, तो हमें कॉम्प्लिकेशंस को दिखाना है अपने फर्स्ट लेवल पे. मतलब हम कोई भी लाइफ मेरे पास आएगा और हम देखेंगे भाई तुम्हारे में कैसा कॉम्प्लिकेशंस है. तुम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो तो तुम अलग रहो, तुम हायर कैटेगरी में रहो, दीज आर हायर कैटेगरीज. और तुम बहुत ही सिंपल हो भाई, तुम चलो अलग रहो. सही, ठीक ठीक ठीक. तो हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो लाइफ से ही शुरुआत करते हैं. लाइफ इज मेड अप बाई सेल. तो सेल को पकड़कर कॉम्प्लिकेशंस को देखने की बात करते हैं तो पहला आता है, फर्स्ट केस आता है सेलुलर लेवल. सेल के स्तर पर मतलब हमारा एनिमल किंगडम इज ऑन बेसिस ऑफ सेल. यहां पर ओनली ग्रुप ऑफ सेल है, ओनली ग्रुप ऑफ सेल है. ये कहने का मेरा मतलब है कि अभी ये सारे सेल मिलकर उतना कंबाइंड रूप में काम नहीं कर रहे हैं. यूनिसेलुलर नहीं समझिएगा, ठीक, वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर की बात नहीं समझिएगा. ये पूरे मिलके बनेंगे तभी एक स्ट्रक्चर बनेगा. हल्का भी कट छट कर निकल गया तो ख़त्म. ठीक, तो हमारा सबसे पहला वाला कॉमन सेंस कहेगा ना कि सबसे पहला वाला पोरीफेरा है. तो क्या हम पोरीफेरा के बारे में एक बात नहीं जान गए कि पोरीफेरा का बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑन सेलुलर लेवल. मीनिंग और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं. नो डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर किस में होता है? जिसमें टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है. एक से ज़्यादा टिश्यू, एक से ज़्यादा सेल मिलकर टिश्यू बन गए हैं. किसी टिश्यू को एक और काम मिल गया, उसको कोई और काम मिल गया है, काम का बंटवारा हो गया. डिवीजन ऑफ लेबर अभी नहीं है. और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तुरंत ये एडवांस होगा तो इसमें डिवीजन ऑफ लेबर आ जाएगा. तुरंत ये एडवांस होगा तो सेल से टिश्यू पे चला आएगा. और टिश्यू में क्या हो गया? ग्रुप ऑफ सेल तो हैं, मिलके काम भी करते हैं. एक छोटा सा यहीं पे हम दो सब सब बात समझने का है. क्लास 9th के बच्चा भी इस बात को समझता है. सारी बातें समझने की है कि अगर हम कहें सिंपल सा बात ये कहें कि आखिर जब बहुत सारे सेल हैं यहाँ पर तो ये मिलके काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अभी यहाँ पर मिलकर कोऑर्डिनेटेड वे में काम करने के लिए जो न्यूरॉन नाम का सेल होता है वो अभी डेवलप ही नहीं हुआ होगा. कॉमन सेंस, यस. पोरीफेरा में न्यूरॉन नहीं मिलता है, 9th क्लास से जानते हैं ये बात. न्यूरॉन ही तो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस. तो कोऑर्डिनेशन बैठा के काम करना है तो न्यूरॉन है ये नहीं है. तो ये दो इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास ऐसे ही आ गया. भाई साहब इसमें न्यूरॉन नहीं, सब में न्यूरॉन होगा. न्यूरॉन पहले होगा फिर न्यूरॉन का ग्रुप बनेगा. ऐसे होते 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 इधर का ब्रेन आएगा. मेरा वाला तुम्हारा भी डेवलप हो रहा है. ठीक है, नो प्रॉब्लम. आसान बात कर रहे हैं. तो ये हो गया नो डिवीजन ऑफ लेबर. एक यहीं पर एक बात कर दे किसी मन में उठ जाए. होशियार बच्चों के भी ग्रुप है, अपने ग्रुप में होशियार बच्चा भी है और थोड़ा ज़्यादा होशियार बच्चा भी है और बहुत ही कम होशियार बच्चा भी है. सारे बच्चे होशियार ही हैं. ठीक है, हम आपको अंडरएस्टिमेट कभी नहीं करते हैं. ठीक है, तो आपका टैलेंट बियॉन्ड माय इमेजिनेशन. मेरा क्या किसी के भी इमेजिनेशन से बाहर की बात है. तो अपने आप पे डाउट नहीं करना चाहिए. जो आप कर रहे हो ईमानदारी के साथ करते रहिए. कह रहे थे कि अगर आप सर डिवीजन ऑफ लेबर तो एक सिंगल सेल में भी होता है. क्लास 9th का तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है कि हाँ ये हो सकता है. हो सकता है ऐसे पूछा जाए डिवीजन ऑफ लेबर तो हम टिश्यू ही समझते हैं. नहीं है डिवीजन ऑफ लेबर, यानी वो यूनिसेलुलर है. हालांकि एक सेल के अंदर घुस जाए, यूकैरियोटिक सेल के अंदर चले जाए तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब तो अपना अपना काम कर रहा है. तो ऑन दैट कंसर्न इवन ए सिंगल सेल शोज डिवीजन ऑफ लेबर. बट वो बातें यहां नहीं हो रही है.
यहाँ बातें हो रही हैं एक सेल से दो सेल बनना, दो से चार सेल बना, क्या ग्रुप में इनको कुछ और काम दिया गया, कुछ और काम कर दिया गया, आज सब मिलकर अपने आप को जिंदा रख रहे हैं, तो ऐसा अभी फर्स्ट केस में नहीं होगा, सेलुलर लेवल पे नहीं होगा, जिसका एग्जांपल हमारे पास अभी एग्जांपल नहीं लिखेंगे, समझिएगा हम झूठ मूठ का आपका नोट्स भारी नहीं करेंगे। एनसीईआरटी में एक छोटा सा टेबल बनाया गया दी बेस्ट, मतलब एनसीईआरटी दिल जीत लेता है, बस वो टेबल याद करेंगे बात खत्म। हर बार हम अब यहाँ लिख देंगे कि एग्जाम्पल, तो तुम्हारा दिमाग देना यहाँ पे एग्जाम्पल था याद करना है, तुम समझो लॉजिक समझो कि शुरुआत वाला तो पूरी फिरना होगा, अब इसके बाद जो भी दूसरा लिख देंगे क्या लिख देंगे, बहुत ही डेवलप हुआ तो टिश्यू लेवल पे चल जाएंगे, यानी यहाँ फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू हो जाएगा, यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होगा, दिखेगा समझ में आएगा। तो किसका किसका ये प्रॉपर्टी हो सकता है, सिलेंट्रेटा, और वो सिटेनोफोरा भी आने वाला है, फिलहाल नाइन्थ जितने जानते उतने ना अटैच करेंगे। हाँ, तो एक और पॉइंट हमारे पास आ गया कि इन सिलेंट्रेटा हमारा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स देर इज ए डिवीजन ऑफ लेबर, बहुत आसान बात है, इट मीन्स न्यूरॉन लगता है आ गया क्या, मिला के काम करने के लिए आ गए क्या, लॉजिक हो गया, एग्जाम्पल लिखने की क्या जरूरत है। और आगे बढ़ जाते हैं, रिफिल भी खत्म हो रहा है, ऑर्गन लेवल पे चले जाते हैं, यानी टिश्यू बनते बनते ऑर्गन बन गया, ऑर्गन अगर हम एनिमल की बात कर रहे हैं तो लीवर बनना शुरू हुआ, किडनी बनना शुरू हुआ, हार्ट बनना शुरू हुआ, ईटीसी तो बन ही रहा था। यहाँ पे थोड़ा समझिएगा कि अचानक से लीवर नहीं बन जाएगा, लीवर जैसा कुछ बनेगा, तो समझ रहे हो, पोरीफेरा में सेल था, सिलेंट्रेटा में टिश्यू था, प्लैटीहेलमिंथस में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चल जाएगा, एक इन्फॉर्मेशन हुआ ना, मतलब इधर से लीवर किडनी वगैरह बनना शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे लीवर और स्ट्रांग और स्ट्रांग, किडनी और स्ट्रांग और स्ट्रांग, फाइनली जाकर किडनी क्या बनेगा, नेफ्रॉन, और बाकी बीच में कभी नेफ्रीडिया बनेगा, कभी कौन कौन कुछ कुछ मेल्पिगियन टिब्यूल फ्लेम सेल, ये सब सुन के चले आए हो क्लास नाइन्थ का, वो सब बनेंगे, सबके सब किडनी जैसे स्ट्रक्चर हैं, डेवलप हो रहे हैं। तो एक बार प्लैटीहेलमिंथस पे पहुंच गया मेरा हाथ ना, तो वहां ऑर्गन बन चुका है, लीवर बन चुका है, पेट ओट बन चुका है, खाना खाना शुरू कर दिया है, पचाना शुरू कर दिया है, ठीक, ये हो गए। ऊपर वाला प्रिमिटिव था, ये एडवांसमेंट में जा रहा है, अब कौन कितना, अब सिलेंट्रेटा एक पॉइंट पे तो है ना पोरीफेरा से एडवांस, प्लैटीहेलमिंथस दो पॉइंट पर दोनों से एडवांस है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे मेरा प्रिमिटिव बिकम्स एडवांस, एडवांस फीचर है, सुपर एडवांस में सबसे नीचे हम लोग आएंगे ह्यूमन, ठीक है, सुपर एडवांस नो प्रॉब्लम। और आगे बढ़ते हैं, ऑर्गन लेवल मजा नहीं आएगा, इस पर थोड़ा पढ़ाने लायक बात भी लिखा है बुक, ऑर्गन से अब भाषा नहीं रह गया है, तब बेवकूफ बनाया जा रहा है, ऑर्गन सिस्टम, कई सारे ऑर्गन मिल जाएंगे तो ऑर्गन मिल के काम करेंगे, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो गया, आपके बुक में दो लिखता है, लिखता है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, जैसे कि आप अभी ऑर्गन पे एक बात समझा सब ना, अभी ऑर्गन पर एक बात समझे ना कि भाई ऑर्गन बन जाएगा, मतलब ये नहीं समझना कि प्लैटीहेलमिंथस में लीवर बन गया, किडनी बन गया, अरे लीवर जैसा स्ट्रक्चर बनना शुरू हो चुका है, किडनी जैसा स्ट्रक्चर बनना शुरू हो चुका है, समय दीजिए थोड़ा सा समय दे दीजिए तो और बन जाएगा, अब लीवर जैसा कुछ बना, किडनी जैसा कुछ बना, तो आपस में मिल के काम करना शुरू करेंगे, सिस्टम कभी भी अकेले से नहीं बनता है, मिलाना पड़ता है, हम और आप मिल जाएं तो भी सिस्टम बना सकते हैं, सिस्टम को बदल सकते हैं, क्रांतिकारी बात, समझ रहे हो बात को, तो सिस्टम हमारे बॉडी में दो गो तीन गो ऑर्गन आपस में मिलके काम करना शुरू कर दिया तो बन गया सिस्टम, हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो खूब इस्तेमाल भी करने वाले हैं और जान के भी चले जाते होंगे, समझाना भी आसान होता है, आपका लीवर है सिस्टम में इन्वॉल्व है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर का हेल्प होता है जानते हैं, पैंक्रियाज का भी हेल्प होता है, सलाइवरी ग्लैंड है वो हटाओ, अरे आपका एलिमेंट्री कैनाल, इसे आप गट कहते हैं, ठीक, माउथ है, एनस है, पचाने उचाने का काम होता है, लंबा सा ट्यूब है, कई सारा चीज़ वहाँ पर है, कई सारे एंजाइम्स ग्लैंड सब मिलकर काम करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, अचानक से ह्यूमन बींग वाला डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं बन जाएगा, पहले थोड़ा सा
इनकम्प्लीट और कंप्लीट, मतलब कल को कोई एनिमल ऐसा मिलेगा जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया, स्टिल हम उसे अलग कर सकते हैं। सारा मेहनत क्या कर रहे हैं, दीज आर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ना, क्लासिफिकेशन का बंटवारा का आधार है। हमारे पास दो ऐसे एनिमल आए जिसके दोनों के पास एलिमेंट्री कैनाल है, यानी दोनों के पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टिल इन दोनों के डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंसेस हो सकते हैं। जो बुक लिख के देता है, कह देता है किसी का इन कंप्लीट डीएस डाइजेस्टिव सिस्टम और हो गया कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हाट डज इट मीन्स, आधा अधूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है और पेट तक आगे नहीं, नहीं ऐसा बात नहीं है, ठीक। इनकम्प्लीट मतलब होता है ओनली वन ओपनिंग, एक ही ओपनिंग है, एक्ट एज ए, दिख रहा ना भाई, एक्ट एज ए माउथ एंड एनस, माउथ का भी काम करेगा एनस का भी काम करेगा, मतलब एक ही ओपनिंग से फूड एंटर भी करेगा और वेस्ट बाहर भी निकलेगा। हम लोग के बॉडी में ऐसा नहीं होता है, माउथ अलग है एनस अलग है, तो यहां पर टू ओपनिंग, क्लियर, मतलब सिंपल सा समझने का भाषा हो गया, माउथ होगा एनस होगा, माउथ और एनस अगर पाए जाते हैं तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक तरफ से एंट्री कर रहे हैं डाइजेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ से बॉडी से बाहर निकाल दे रहे हैं। और एक वाले में तो क्या लगता है, इनकम्प्लीट और कंप्लीट में मोस्ट एडवांस कौन हुआ, कंप्लीट, आसान बात कर रहे हैं, इतना भी भारी बात नहीं था, कंप्लीट हो गया, यहाँ पर अलग व्यवस्था लगा होगा। तो अगर आने को प्लेटी हेलमिंथस सिलेंट्रेटा प्लेटी हेलमिंथस से ही शुरू करेंगे ना, उसमें कुछ खाना पीना का व्यवस्था करना, ऑर्गन सिस्टम आना, तो शुरू में इनकम्प्लीट हुआ होगा, बाद में जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि कई जगह एक्सेप्शंस होते हैं, उसका टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है, वो जहाँ पे हो गया एक्सेप्शंस वहाँ बता दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऑर्गन सिस्टम में एक डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर ली है आप, हम कल को सीधे कोई फाइलम लिखेंगे और उसमें लिख देंगे यहाँ पर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, तो आप मीनिंग समझ लीजिएगा, अच्छा इसमें एक ही ओपनिंग है जो माउथ और एनस दोनों की तरह काम करता है। एक और सिस्टम की बात किया है, सर्कुलेटरी सिस्टम, आप देखिए कितना सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश हो रही है कि जो आप ठीक से पढ़ते चले आ रहे हैं, टेंथ में आप दोनों पढ़ के बैठे हुए हो, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े हो और सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़े हो, सारा आइडियाज़ है अबाउट माउथ एंड एनस, कितना अच्छे से बारीकी से लर्निंग को एकदम सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़ा रहा है, ठीक, लेकिन बहुत पुराना है लेकिन बढ़ा रहा है, देखते हैं कब अगला शब्द बदल देगा एनसीईआरटी कन्फर्म। सर्कुलेटरी सिस्टम में भी दो शब्द आते हैं, एक आता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम CS काम चल जाएगा, एक होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में है कि जो ब्लड है ना फ्लोज इनटू सिलोम, सिलोम भी वर्ड सीन होंगे, सिलोम भाई सिलोम कैसे लिखा, सिलोम नहीं लिख रहा है, सिलोम 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 बॉडी कैविटी में फ्लो करता है, पढ़ाएंगे बॉडी कैविटी क्या होता है, अदरवाइज क्लास नाइन्थ का सबसे स्टैंडर्ड वर्ड होगा तो यही सिलोम वर्ड होगा। और ये जो है इसमें जो होता है वो है ब्लड फ्लोज इनसाइड द वेसल्स, ब्लड के पाइप में ब्लड फ्लो करे तो वो क्लोज्ड है, ब्लड के पाइप से बाहर निकल जाए ब्लड अगर तो वो ओपन ओपन है, खुला में है, बाहर निकल के कहाँ जाएगा, बॉडी से बाहर निकलना चाहिए, कहाँ जाएगा तो बॉडी के अंदर, बॉडी कैविटी भी होता है, उस कैविटी में घूमे रहेगा ब्लड, उस ब्लड में ब्लड है, ये नहीं करेंगे ब्लड नहीं है, ब्लड है, ब्लड है, ओपन है मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम अभी ठीक से बना नहीं है, ब्लड वेसल्स पूरी तरह से नहीं बने हैं, ये शुरुआत के फीचर होंगे, बाद में जाकर क्या हो जाएंगे, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। कहाँ पे आ गया है आपको सिर्फ जानकारी लेना है, कोई ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पर एग्जांपल लिख लें, एग्जांपल लिख लें, सबके एग्जांपल लिख लें, तो आपके लिए यही छोटा सा डाटा बड़ा दिखेगा, ज़्यादा दिखेगा, आपको तकलीफ़ हो सकता है, हमें तकलीफ लेना नहीं है, ठीक, आसान बात है। तो ये पहला हो गया, पूरा बॉडी भर दिए हैं, ये तो सीक्वेंस हमें याद रखना है ताकि हम बार बार रिलेट कर सकें, नो प्रॉब्लम। अब आप इसे एक स्क्रीनशॉट में लिख सकते हैं,
हाँ, इसमें तो साफ साफ आ जाएगा, स्क्रीनशॉट में लिख सकते हैं। और उसके बाद हम गैप कर देते हैं, जादू मंत्र गैप करते हैं, अंधेरा हो गया। चलिए नया बात करते हैं। अब हम लोग पहला बेसिस के बाद दूसरा बेसिस पे बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। फोकस रहेंगे, परेशान नहीं होंगे, ठीक है। सिमेट्री क्या होता है, व्हाट इज सिमेट्री? लिखा है द स्टेट ऑफ हैविंग टू हाफ्स दैट मैच ईच अदर एग्जैक्टली इन साइज शेप एंड एटसेट्रा। मतलब किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को लीजिए और उसे आप काट दीजिए। काटने का शर्त इतना ही रहेगा कि काटते वक्त उसके सेंटर ऑफ मास होता है, वहाँ से काटिएगा। मतलब अगर हम एक एग्जाम्पल की मदद से बात करें तो ये काटेंगे तो ये सेंटर से होके कटिंग होना चाहिए, साइड से काट दिए नहीं, सेंटर से होके काटेंगे तो आपको दो हाफ मिलेगा। कितना भारी बात समझा रहे हैं, किसी चीज़ को काटिएगा तो दो गो हाफ मिलेगा, ठीक। हाफ करिए तो बीचे बीच काटना पड़ेगा ना, हाफ मिलेगा। फिर आप दोनों हाफ को मैच करिए, क्या दोनों एक ही जैसा है क्या, शेप में, साइज में, देखने सुनने में एक ही जैसा है तो उसका सिमेट्री है। एक जैसा नहीं है तो सिमेट्री नहीं है, ठीक। तो सिमेट्री के आधार पर हमारे पास दो तरह के सिमेट्री मिलेंगे। थोड़ा एडवांसमेंट और प्रिमिटिव होने का नेचर समझिएगा, ठीक है। हम बात करें सिमेट्री में कि पहला कंडीशंस क्या हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट को काटें, किसी लाइफ को काटें, दो हिस्सा मिला, ठीक। दोनों हिस्सों को जब आप कंपेयर करते हैं तो हो सकता है कि ये बात ना हो, नहीं है सिमेट्री। नहीं के लिए एक वर्ड लगता है एसिमेट्रिकल। तो व्हाट इज एसिमेट्रिकल? बॉडी के दो इक्वल हाफ नहीं मिलते हैं, तो नो इक्वल हाफ, नो टू इक्वल हाफ। कितना आसान बात। अब कंडीशन तो ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा लाइफ मिले जिसके बॉडी को टुकड़े में काटे तो उनके बॉडी के दोनों टुकड़े आपस में मैच कर जाए, तो कह देंगे यस दे आर सिमेट्रिकल टू इक्वल हाफ। दो इक्वल मिलेंगे तो सिमेट्रिकल है, दो नहीं मिलेंगे तो एसिमेट्रिकल है। आपको क्या लगता है समझ के अनुसार कि कौन सा जो है कंडीशंस प्रिमिटिव कंडीशंस है? आप इस नज़र से देखिए कि अगर आप नेचर हैं, अगर आप भगवान हैं कुछ देर के लिए और आपने लाइफ बनाना स्टार्ट किया तो एक लाइफ का शेप का ख्याल देखिएगा। आपने लाइफ को ऐसे 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 बना दिया, ये ड्राइंग करना और ये ड्राइंग करने में सतर्कता कहाँ दिखाए होंगे? इधर दीवार लगाना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्सिटी। देखो ये बात सिर्फ समझाने के लिए कह रहे हैं, साइंटिफिक आंसर नहीं दे रहे हम आपको। ये तो कैसे रैंडम बॉडी डिजाइन बन गया होगा, कोई विशेष ख्याल नहीं किया गया है। बीच में से काटोगे तो ये पता नहीं कौन सा पार्ट है, ये पता नहीं कौन सा पार्ट है। इधर कुछ डिजाइन भी बना दिए तब तो भाई सब सजा के उतनी डिजाइन इधर बनाना पड़ेगा, पता नहीं बन पाया कि नहीं बन पाया। और तब जब काटेंगे दोनों बराबर होना चाहिए, इधर बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, बनाने वाले को तकलीफ हो रहा है। आप तकलीफ देखिए बनाने वाले को, भगवान बनाया थोड़ी देर पहले, भगवान को सबसे ज़्यादा तकलीफ है, सबका दुख जानता है, पता रहा बहुत टेंशन रहता होगा कि कोई खुशी नहीं है, सबका जो देखो जहाँ देखो परेशान है, वायरस भी परेशान होगा, कोरोना वायरस, ठीक। तो आप समझिएगा इस बात को कि प्रिमिटिव वाला ये हुआ, ये एडवांस हुआ। तो अगर हमें एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए पूरी फेरा का तो हम कह देंगे एसिमेट्रिकल है, राइट। उसके बाद सब सिमेट्रिकल है, कितना अच्छा इन्फॉर्मेशन हो गया। कल को कहा जाएगा निमेटोडा का एक साइंटिफिक करेक्टरिस्टिक बताओ तो दे हैव सिमेट्रिकल बॉडी, मीनिंग इसको अगर आप सेंटर से पास करते हुए काटिएगा, ओरिजिन एक पॉइंट ऑफ सेंटर से पास करते हुए काटिएगा तो व्हाट यू गेट इज टू इक्वल पार्ट्स। वाह, इजी नहीं हुआ क्या? अब सिमेट्रिकल में थोड़ा सा इसमें भी कलाकारी कर दिया है नेचर, एक लिख दिया है रेडियल सिमेट्रिकल और एक लिख दिया है बाई लैटरल सिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्रिकल, बाईलैटरल सिमेट्रिकल, समझिएगा। एक हम सब सिर्फ समझाने की बात कर रहे हैं, आपके एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया डायग्राम बनाया, उतना बना नहीं सकते हैं। पॉइंट सेंटर ऑफ मास कह लो, ये हो गया, काट देते हैं,
इधर से काटो, फ्रॉम दिस एंगल, फ्रॉम दिस एक्सिस, इधर से काटो, किधर से भी, फ्रॉम एनी एक्सिस, इफ यू कट, कंडीशंस क्या है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू द सेंटर, इन एवरी केसेस यू गेट टू इक्वल हाफ ना, आप ऐसे काटो, ऐसे काटो, कैसे काटो, इन ईच एंड एवरी कंडीशंस यू गेट टू इक्वल हाफ, रेडियल सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल है, यू विल गेट टू हाफ्स, लेकिन इसमें कंडीशंस ये है, कंडीशंस क्या है कि किसी भी एंगल से कर दीजिए, फ्रॉम एनी प्लेन और एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, सेंटर से पास होते हुए आप किसी भी एक्सिस से काट दीजिएगा तो यू विल गेट टू इक्वल हाफ, दैट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्रिकल। तो शायद जो आगे लिखे हैं वो किसी भी एक्सिस से काटने पे नहीं मिलेगा, फ्रॉम वन एक्सिस ओनली, आप मीनिंग समझिए, कॉपी नहीं भरना है हमको, सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस से काटेंगे, बेस्ट एग्जांपल समझाने लायक भी हम लोग खुद का बॉडी, इधर से काटोगे दिस इज द सेंटर ना, दिस इज द सेंटर, यहाँ मान लो सेंटर है, तो यहाँ से लंबा लंबा काटोगे ना तो यू गेट टू इक्वल हाफ, इधर भी एगो हाथ, इधर भी एगो हाथ, इधर एगो आँख, इधर एगो आँख, अंदर लीवर किडनी मत देखना, ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, दो इक्वल हाफ मिलेगा। अगर तुम इसी सेंटर को ऐसे काट दोगे तो हाई और हाई बात मैच थोड़ी करेगा, राइट। तो ये हो गया फ्रॉम ओनली वन, ये किसी भी एंगल से। अब फिर तुम देखो थोड़ी सी एडवांसमेंट की बात, इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं, यानी कि बनाने में कुछ विशेष ख्याल नहीं किया गया है, इधर बनाने में ऐसा ख्याल किया गया है इस केवल और केवल एक ही तरीके से काटोगे तो मिलेगा, ये थोड़ा ज़्यादा एडवांस है। तो अगर हम पहले समझ गए कि पूरी फेरा में हमारा पहल का सेट कर रहा है एसिमेट्रिकल, तो दूसरा का जो हम लोग पढ़ के आए हैं सिलेंट्रेटा, रेडियल सिमेट्रिकल, प्लैटीहेलमिंथस बायलैटरल सिमेट्रिकल है कि नहीं, बायलैटरल सिमेट्रिकल। और उसके बाद इसीलिए तो अगर आपको याद होगा स्टार्टिंग में कहें नाइन्थ में प्लैटीहेलमिंथस तक हमें कई बात का ज्ञान हो गया, आज क्लासिफिकेशन को भी मैच कर दें तो हमें इस बात का ज्ञान हो चुका है कि प्लैटीहेलमिंथस में ऑर्गन लेवल तक का ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, आफ्टर दैट सब में ऑर्गन होगा, प्लैटीहेलमिंथस में बाइलैटरल सिमेट्रिकल हो गया है, प्लैटीहेलमिंथस में सिर्फ एक एक्सिस पर ही काट कर दो इक्वल हाफ मिलेगा, इसके बाद जो भी है सब का सब बाइलैटरल सिमेट्रिकल होगा। इसीलिए कहते कि अब इसके बाद नीमन नीमन लगने लगा था, नीमेटोडा, याद करने का बात है और कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम, आसान बात कर रहे हैं, सिंपल स्पष्ट होना चाहिए, हम कोई झूठ मूठ का यहाँ एग्जांपल लिख के टाइम पास नहीं करेंगे, कॉम्प्लिकेशंस नहीं करना है, लैंग्वेज लिख के भरने की जरूरत नहीं है, आप एक गोला समझ के काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये नहीं दिमाग लगाओ कि तुमने किसी बहुत, तुमने हाथी देखा है, शेर देखा है, क्या पता वो भी नहीं देखा हो, ठीक, सब एनिमल तुम नहीं देखे हो, इमेजिनेशन नहीं कर सकते हो, तो तुम कैसे हो जिस बात को समझ जाओ तुम्हें, तो इस टर्म से मतलब है, तुम्हें लॉजिकली दो चार स्टेटमेंट बनाने से मतलब है, तुम्हारे एट द एंड हर एक फाइलम के बारे में तीन चार कैरेक्टरिस्टिक तुमको बस याद हो जाए लॉजिकली, भाई उससे ज़्यादा तुम्हें क्या चाहिए, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक। ये भी हो गया, आप खटाक से धके इसको लिख सकते हैं, ढेर लंबा बन गया क्या जी, बहुत है, दो बना, दो ही से दो पढ़ाया आपको, अभी और भी है, मिलेगा, बनाया जाएगा, कोई पर्सनल बात नहीं है, इंट्रोडक्शन क्लास है, स्लो होता है, ऑलरेडी बोला भी गया है कि आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा कर देखें तो उससे विशेष नहीं फर्क पड़ेगा आपको, ठीक, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट मतलब खटक 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 हो जाएगा, बहुत है, मिलते हैं कल, कल हम लोग इसी गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, दो दिन में हम लोग क्लासिफिकेशन का बेसिस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी रहेगा, एक रिक्वेस्ट रहेगा या पीस ऑफ सजेशन कह लो, क्लास नाइन्थ में जिस मास्टर से पढ़े हो के उसका कॉपियाँ अगर होगा तो कॉपी में पढ़ो, क्या मास्टर ने पढ़ाया है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल किंगडम के बारे में, एक बार पढ़ के आओ, ये पढ़ने में बहुत आराम लगेगा, कोई बड़ा बात नहीं लगेगा, ठीक, नो प्रॉब्लम, मिलते हैं कल, धन्यवाद।